सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। जय श्री राधे। मित्रों, वैदिक ऋषि YouTube में आपका स्वागत है। आप इसे पसंद कर रहे हैं, यह हमें बहुत खुशी है। आज हम आपको चंद्रमंगल युति के विषय में बता रहे हैं। जब भी चंद्रमा मंगल के साथ युति करता है या साथ में होता है तो क्या योग ये बनाते हैं। जैसे चंद्रमंगल मंगल एक क्रूर ग्रह है, चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है, तो मंगल से अंगारक योग बनता ही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम चंद्रमंगल को कहीं भी युति करें, ऐसा कहीं नहीं है कि बस केवल एक कर्क राशि में ही हो, किसी भी राशि में बैठ सकता है चंद्रमंगल, और जिस राशि में बैठेगा तो चंद्रमंगल की युति हो जाएगी। चंद्रमंगल की युति के कारण जातक को कहते हैं कि निरर्थक साधनों से आए मां के साथ रूखा व्यवहार। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के ऊपर मंगल का प्रभाव जो है वह व्यक्ति को बताता है कि व्यक्ति क्रोधी है, तो इनके क्रोध के कारण या रूखा व्यवहार, अन्य संबंधियों से दुर्व्यवहार, हर छोटी छोटी बातों में क्रोधित हो जाना, परंतु अगर इनके ऊपर कोई पाप प्रभाव नहीं है तो समझ लीजिए कि सर्वश्रेष्ठ है। अगर कहीं केतु का प्रभाव हो गया तो ये अति उत्तेजित हो जाएंगे, जिसको कहते हैं हम हाइपर हो जाना, या कहते हैं कि यह बहुत ज़्यादा उत्तेजित होकर के अपने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा मंगल के साथ होने के कारण व्यक्ति के अंदर सोचने और समझने की क्षमता होती है। यहाँ पे बताते हैं कि प्राचीन विद्वानों का कहना है, परंतु आज जो आधुनिक युग चल रहा है उसके साथ देखा जाए तो जब भी चंद्रमंगल की युति बनती है तो इसमें व्यक्ति को माने धनार्जन के लिए यह सुदृढ़ चंद्रमंगल योग अति महत्वपूर्ण माना जाता है। और यह आधुनिक युग में जैसे ठेका, शराब की दुकान, शराब चलाना, शराब जहाँ पे बिकता है या वहाँ पे ड्यूटी करना आदि व्यवसायों से ऐसे जातक जुड़ते हैं। ऐसे लोगों की मूल आवश्यकताएं पूरी करेगा, परंतु जब चंद्रमा और मंगल उत्तम स्थिति में हो तो अन्य उचित माध्यमों से आय होगी। ऐसा कहा जाता है कि मंगल और चंद्रमा की युति से यह योग बनता है, किंतु यहाँ पे ध्यान रखें कि चंद्रमा और मंगल में परस्पर दृष्टि परिवर्तन हो। दृष्टि परिवर्तन का मतलब कि कहीं से चंद्रमा बैठ करके मंगल को देखे, मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, यहाँ पे मंगल बैठा है, तो सप्तम दृष्टि। अगर यहाँ पे मंगल बैठा है तो यहाँ पे केवल मात्र मंगल देख सकता है, चंद्रमा नहीं देख पाएगा। तो इस प्रकार से यह परस्पर दृष्टि दोनों की हो, चंद्रमा मंगल की, तो सप्तम भाव में बैठे चंद्रमा से मंगल या मंगल से चंद्रमा, तो यह योग मान लें कि ऐसा होता है कि यह स्थिति अच्छी मानी जाती है और उत्तम फल की प्राप्ति होती है। यह योग जहाँ भी बनता है व्यक्ति को अच्छे कर्मों के प्रति प्रेरित करता है। केवल ऐसे जातक अपने क्रोध को नियंत्रित कर लें तो निश्चित ही महान बन सकते हैं। यह जातक जितने भी पेय पदार्थ हैं, जो नशीले प्रकार के पेय पदार्थ हैं, उनके यहाँ यह या तो नौकरी करते हैं या तो इसका ये एजेंसीज ले लेते हैं और इसके द्वारा ये धनार्जन करते हैं। जय श्री राधे।